हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और सीसेट पेपर 2 की आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर बार ग्राफ हम डिस्कस करेंगे। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड पाई चार्ट एंड लाइन चार्ट। ओके, अब आज की क्लास के अंदर हम बार चार्ट डिस्कस करेंगे, जिनको लाइन चार्ट या फिर आपके पास में पाई चार्ट के अंदर कोई भी इश्यू आ रहा है तो वो प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हो। ओके, यस, ये फ्री वार्म अप कोर्स है, इसको आप ज्वाइन करोगे तो जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हैं सी सेट के तो वो सभी के सभी आपको पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएंगी विद पीडीएफ। ओके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी डाटा इंटरप्रिटेशन की भी जो बाकी की क्लासेज है वो वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं बार ग्राफ। देखो, नाम से ही पता चल रहा है हमारे पास में बार ग्राफ मींस कि जो डाटा है वो बार की फॉर्म में आपके पास गिवन है एंड वहां से आपके डाटा को पिक करना है और क्वेश्चन के अंदर उसको यूज करना है। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास में ये एक बार ग्राफ गिवन है। यहां पे देखिए आप, जो डाटा है वो बार की फॉर्म में गिवन है। हर एक मंथ के लिए यहाँ पे क्या है, ये नंबर ऑफ ट्रांसफर गिवन है आपके पास में ऑफ सम एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे देखिए कि जो एम्प्लॉयज है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक का यहाँ पे मेंशन क्या है ऑफिसर, दूसरा क्या है अदर एम्प्लॉयज। ऑफिसर्स जो है वो किससे डिनोट हो रहा है, ब्लू बार से डिनोट हो रहा है। ओके, और जो अदर एम्प्लॉयज है दे आर डिनोटेड बाई द रेड बार। क्लियर? हाँ जी, देर आर टू बार्स फॉर ईच मंथ, वन इज ब्लू एंड वन इज रेड। ब्लू बार जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है ऑफिसर्स को जिनकी ट्रांसफर हुई है 1997 के अंदर। ओके, और जो यहाँ पे हमारे पास में रेड है, रेड बार हमारी रिप्रेजेंट कर रही है अदर एम्प्लॉयज जिनकी ट्रांसफर हुई है 1997 के अंदर। ओके, और साथ में हमें क्या गिवन है यहाँ पे कि डाटा इज गिवन इन थाउजेंड, ये जो वैल्यू है दिस इज इन थाउजेंड। अब जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको देखूँ तो जनवरी के अंदर ऑफिसर्स की 25,000 ऑफिसर की ट्रांसफर हुई है, इसी तरह से जो अदर एम्प्लॉयज हैं वो कितने हैं 40,000 है जिनकी ट्रांसफर हुई है, कब, जैन के अंदर। क्लियर? इस तरह से हम डाटा को रीड करेंगे। तो बार ग्राफ इजी है, यहाँ से डाटा आपको पिक करना काफी आसान हो जाता है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन क्या है, करो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ लास्ट 3 मंथ्स ऑफ अदर एम्प्लॉयज एंड द एवरेज ऑफ 3 मंथ्स ऑफ अदर एम्प्लॉयज। ठीक है, फर्स्ट 3 और लास्ट 3 की एवरेज का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अदर एम्प्लॉयज लास्ट के अंदर कितना हो गया आपके पास 50, 42 एंड 35। ठीक है, लास्ट 3 मंथ का अगर हम देखें तो लास्ट 3 मंथ का आपके पास में कितना है 50, 42,000 एंड 35,000। ओके, तो एक तो तरीका हो गया कि हाँ जी हम यहाँ से पहले इसकी एवरेज फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि आप डायरेक्टली भी ले सकते हो, हमारे पास में फर्स्ट 3 मंथ्स का भी गिवन है, हम पिक कर लेंगे कहाँ से, अपने बार्स ग्राफ से। तो यहाँ पे आप देखो कितना है 40, ठीक है, दिस इज 33 एंड 40। ओके, ये हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे देखो एक तो तरीका ये कि हाँ जी इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, उसके बाद में एवरेज का डिफरेंस आप निकालो। दूसरा देखो, आप ऐसे भी तो कर सकते हो, जब आपको एवरेज का डिफरेंस निकालना है, ठीक है, एवरेज का क्या फाइंड आउट करना है, हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना, तो डायरेक्ट आप इसमें से इसको माइनस कर लो। ठीक है, 3 तो दोनों के अंडर ही है। देखिए अब अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ से देखो क्या मिल गया हमें 10। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू आ गई 9 और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो गया -5/3। तो ये अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई, यस दिस इज 14/3, 3 × 12 = 2 और 3 × 18 4.66 आ जाएगी वैल्यू। ओके, तो कितना आ गया 4.66, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या किया, समझ आया आप लोगों को क्या किया? एक तो तरीका क्या है, ये भी आसान है, कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यूज को फाइंड आउट करना है आपके। ठीक है, अब ये किया है कि हाँ जी मैं इतना भी क्यों लिखूं, इतना भी मैं क्यों लिखूं, डायरेक्टली नहीं कर सकते। देखो कैसे, अब यहाँ से देखा हमने, ये दो पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर लिया, इसके अंदर से
इसके अंदर से इसको माइनस करना, लास्ट हाफ में वैल्यू ज़्यादा है तो इसके अंदर से आप माइनस करोगे। देखो इसमें से माइनस किया 10, इसमें से इसको माइनस किया 9, इसमें से इसको माइनस किया तो क्या आ गया आपके पास में 5। ठीक है, अब अगर हम टोटल देखते हैं तो वैल्यू कितनी आ गई 14। जब एवरेज करना है दैट मीन्स कि 3-3 का एवरेज है, 3-3 वैल्यूज लेनी है तो डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, डायरेक्ट वैल्यू आ गई। क्लियर? हाँ जी, डी आईज के अंदर कैलकुलेशन वाले पार्ट पे डिपेंड करता है कि हाँ जी हम कैलकुलेशन में कितना टाइम लगा रहे हैं, तो कोशिश करनी डी आईज के अंदर डाटा ही पिक करना है, उसके बाद तो जस्ट कैलकुलेशन का ही पार्ट है, तो उसको आप जितना कम कैलकुलेशंस करनी पड़े वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखो यहाँ पे आपके पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑफिसर ट्रांसफर्ड इन जनवरी, ऑफिसर्स ट्रांसफर इन जनवरी। अब यहाँ पे देखिए ऑफिसर ट्रांसफर इन जनवरी कितना है 25, ओके, एंड ऑफिसर ट्रांसफर्ड इन जून, ऑफिसर ट्रांसफर्ड इन जून। अब जून देखिए, जून के अंदर ऑफिसर का ट्रांसफर कितना है 30, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आ गया आपके पास 30 माइनस 25, कितना हो गया 30 माइनस 25, दैट मीन्स कि 5 विल बी द करेक्ट आंसर। अब 5 क्या है, यस, जो डिफरेंस है बच्चे, डिफरेंस हो गया आपके पास में 30 माइनस 25 5। अब ये डाटा किसमें है, थाउजेंड्स के अंदर, दैट मीन्स व्हाट 5000, ओके, सो आंसर विल बी ए 5000, ओके। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्या है, हाउ मच परसेंट इंक्रीज इन ऑफिसर ट्रांसफर फ्रॉम फरवरी 1997 टू मार्च 1997। अब यहाँ पे देखो फरवरी 1997 के अंदर इम्प्लॉयज का जो ट्रांसफर है ऑफिसर्स का कितना है 20%, 20,000 है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम मार्च में देखें तो मार्च में भी कितना है 20,000 है, तो इंक्रीज पिछली बार भी भाई फरवरी में भी 20,000 का ट्रांसफर हुआ था एंड मार्च में भी 20,000 का ही ट्रांसफर हुआ है, दैट मीन्स कि देयर इज नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं हो रहा, इंक्रीज भी नहीं हो रहा, डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना आ जाएगा आपके पास में 0%, ओके, यस 0%। क्लियर? तो अभी ये देखो, ये हमारे पास में डायरेक्ट बार ग्राफ था, वहां से डाटा पिक किया, जैसे आपसे पूछा गया वैसे आप आंसर कर दोगे। ठीक है, अभी स्टैक्ड ग्राफ भी मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उससे पहले। हाँ जी, क्वेश्चन से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि आप जब सी सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सी सेट सभी को पता है क्वालिफाइंग है, तो आपको सारा करने की जरूरत नहीं है सिलेबस, जो आपको लगता है कि हाँ जी इस टॉपिक में से हर बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहा है, हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है और उसके अंदर अगर आपको डाउट है देन इन दैट केस यू कैन टेक दैट पार्ट ओनली, तो उसको हम कह रहे हैं माइक्रो कोर्सेज। तो अभी पीडिया इसके अंदर आपको लिए माइक्रो कोर्सेज लेके आए जिसके अंदर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हो, यस किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को आप प्रिपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डी आई में प्रॉब्लम आ रही है इन दैट केस यू कैन डी आई, ओके। अब अगर आपको प्रॉफिट लॉस में इश्यू आ रहा है प्रॉफिट लॉस आप ले सकते हो, नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है नंबर सिस्टम ले सकते हो, इसी तरह से अगर आपको पजल्स में प्रॉब्लम आ रही है पजल ले सकते हो, इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम आ रही है इन दैट केस यू कैन टेक कॉम्प्रीहेंशन ओनली, ओके। इसके अलावा कंप्लीट भी अवेलेबल है, कंप्लीट कोर्स ऑफ सी सेट इज ऑल्सो अवेलेबल, और इसके अलावा आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, इट डिपेंड्स ऑन यू, ओके, यस। हाँ जी, नेक्स्ट डी आई देखिए, नेक्स्ट डी आई के अंदर आपके पास में एक बार ग्राफ गिवन है और बार ग्राफ के अंदर 3 बार्स हैं, यहाँ पे देखो 3 बार्स आर अवेलेबल। यहाँ पे क्या है डाटा, यहाँ पे गिवन है प्रोडक्शन ऑफ स्टील, प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन लैक्स, लैक्स के अंदर है, लैक्स टन बाई डिफरेंट कंपनीज फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ 2000, 2001 एंड 2002, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये है जो ब्लू बार, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2000, रेड बार 2001 एंड ग्रीन बार 2002, ओके। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास मिनिमम प्रोडक्शन एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ हाउ मैनी कंपनीज इज इन द रेशियो ऑफ 2:3, 2:3 में किसका प्रोडक्शन है ये आपको बताना है, मिनिमम टू मैक्सिमम, क्या कहा गया है आपको, मिनिमम टू मैक्सिमम, ये आपको देखना। अब अगर हम कंपनी की बात करते हैं ए की, तो ए का आप देखिए ए के अंदर मिनिमम कितना है, मिनिमम कितना है 40 और मैक्सिमम कितना है 60, दैट मींस कितना आ गया 40-60, अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो रेशियो क्या आ गई 2:3,
डन, यही चाहिए था हमें 2:3। अब इसने ये नहीं पूछा कि हाँ जी ए का है, किसी पर्टिकुलर का नाम गिवन नहीं है। यहाँ पे ये पूछा गया कि कितने कंपनीज के अंदर जो रेशियो है वो 2:3 आ रही है। दैट मीन्स कि वी हैव टू चेक ऑल द कंपनीज। ओके, सो इसी तरह से अगर हम बी का चेक करते हैं तो बी का देखिए कितना है। यस, बी के अंदर मिनिमम है 40 एंड मैक्सिमम है 70। 40-70, दैट मीन्स कि रेशियो कितनी है, 4:7। ठीक है, सी के अंदर अगर हम देखें तो मिनिमम कितना आपके पास में, वैसे तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं यहाँ पे तो बिल्कुल ही पास में वैल्यूज है, दैट मीन्स कि ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, फिर भी एक बार आपको बता देती हूँ मैं, दिस इज 30 एंड दिस इज 35, कितना आ गया आपके पास, 5 + 3 = 5, 7 = 35। ठीक है, डी का देखते हैं हम, तो डी के अंदर मिनिमम कितना आ रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो है मैक्सिमम कितना बेटा, 40 है, 35 नहीं है, 40 है। सो रेशियो विल बी 3:4, मिनिमम टू मैक्सिमम चेक करना है आपको। ठीक है, डी का अगर हम देखें तो मिनिमम कितना आपके पास में, 40, और मैक्सिमम कितना आ रहा है, 80, 40-80, दैट मीन्स व्हाट, 1:2। ओके, ई का अगर हम देखते हैं तो ई का कितना आ रहा है, ई के अंदर देखो मिनिमम है आपके पास 50, और अगर हम ई का मैक्सिमम देखते हैं दिस इज 90, दैट मीन्स 5:9। ओके, नाउ कम ऑन एफ, एफ का अगर हम देखते हैं देन मिनिमम वैल्यू इज 30। ठीक है, और मैक्सिमम अगर हम देखते हैं दिस इज 45। ठीक है, 15 × 30 = 15 = 45, रेशियो क्या आ गया आपके पास में, 2:3। हेयर यू कैन सी कि जो रेशियो है 2:3 दैट इज फॉर कंपनी ए एंड ऑल्सो फॉर कंपनी एफ, दैट मीन्स देयर आर टू कंपनीज। ओके, टू कंपनीज हैं जिनकी रेशियो कितनी है, 2:3। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे ये भी आ सकता था, हाँ जी नाम भी आ सकते थे, तो नाम में भी हम लिख सकते हैं किस किस का है, ए का और एफ का। डन, नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ए डी ई, ए डी एंड ई इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बी सी एफ। बी सी एफ पहले क्या करना है आपने, एवरेज ऑफ ए डी ई, एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 2 एवरेज ऑफ क्या है, बी सी एंड एफ। जब एवरेज फाइंड आउट कर रहे दैट मीन्स कि डिवाइड कर रहे हैं हम 3 से। अब यहाँ पे देखो, जब आपको यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो ये तो एवरेज हो गया, अब दिस इनटू क्या करोगे आप, 100। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये तो इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, डायरेक्टली हमने क्या करना, दिस डिवाइडेड बाई दिस इंटू 100। ओके, अब ए का चेक करते हैं, ए का कितना है आपके पास में, हाँ जी ए का देखते हैं हम कितना है, ए पे आते हैं, ए यहाँ पे देखो ये आ गया बेटा 50 60 110 एंड 40 50, कितना आ गया 150, कितना आ गया हमारे पास में 150। अब यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर ईयर गिवन नहीं है, ईयर गिवन नहीं है, दैट मीन्स कि हमें तीनों ईयर्स का बीच में कंबाइन करना है। ओके, अब ए के बाद में क्या है, डी, डी का देखिए, डी का कितना है, दिस इज 40 40 80 120 120 एंड 70, कितना हो गया 190। देन ई का देखिए, ई के अगर अंदर हम जाते हैं दिस इज 80। ठीक है, 80 एंड 50 130 130 + 90 220। ओके, अब सभी का टोटल करना है आपको, कितना आ गया 150 + 190 + 220। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, ये हो गया 5 और 11 6, ये हो गया 560 आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब हमें क्या करना है, बी सी एंड एफ, बी सी और एफ का लेना है। बी का देखो, बी का कितना आ गया, ये 40 60 100 एंड दिस इज 170। ठीक है, प्लस सी, सी का देखिए, सी का है हमारे पास में दिस इज 30 30 40 70 70 एंड 30 100 105 105 आ गया 105। उसके बाद आपके पास एफ,
एफ का देखिए कितना, यस एफ अगर हम देखें दिस इज 30, 40, 70, 70 एंड 40, ये हो गया आपके पास 70, 39, ये तो हो गया था अपने पास है ना, ये कितना था आपके पास में, यस दिस इज 30, 30 एंड 40, 30, 40, 70, 70 और ये हो गया आपके पास में 45, ठीक है। तो थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा, तो ध्यान से करना, ये हो गया आपके पास में 150। तो टोटल अगर हम देखते हैं तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, यस ये हो गया हमारे पास 115, क्लियर। अब इसका टोटल करते हैं तो टोटल हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 105 आ जाएगा बच्चे, टोटल हो गया आपके पास में, यस 5 और 5 10, 7, 8 और 1 9 और ये हो गया आपके पास में 390 गुणा 100। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करोगे तो यहाँ पे देखो जो वैल्यू है, वैल्यू किसके नियर बाई आ जाएगी, हो जाएगा अगर हम 4 के नियर बाई देखें, सीधा सा 139 है, इसको 14 कंसिडर करके ले लो आप, ठीक है ना, पर 14 से 14 चौके 56 मींस की 140 के आसपास वैल्यू आएगी, 140 के आसपास वैल्यू आएगी। तो अगर हम 140 के आसपास देखें तो कितना आ रहा है बेटा, 144 आ रहा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 144%। हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसके अंदर, हाँ जी क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है, कुछ नहीं है। देखो अब यहाँ पे बल्कि डिवाइड करते और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाना था, ठीक है, हमने डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल डायरेक्टली करो आप। देखो ना, जब रेशियो फाइंड आउट करनी है और डिफरेंस फाइंड आउट करना है या परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो उस केस के अंदर जो 3 है यहाँ पे, ठीक है, 3 तो 3 के साथ कैंसिल आउट ही हो गया, ओके बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए टाइप कंपनी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ ई टाइप कंपनी। ए का ई का दोनों का फाइंड आउट करना है टोटल, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए, ए टाइप ऑफ कंपनी, ए का अभी हमने फाइंड आउट किया था, ए का अपने पास में कितना था 150, ठीक है, और व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ ई टाइप ऑफ कंपनी, ई ई का भी अभी हमने कैलकुलेट किया लास्ट के अंदर, यस ई का था आपके पास में 220, ई का टोटल कितना आया था हमारे पास में 220। देन अब हमें करना, प्रोडक्शन ऑफ ए टाइप इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ ई टाइप, ई टाइप है आपके पास 220 × 100, ओके इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको देखते हैं 22 से, तो 22 से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 22 × 5 = 110, ठीक है, और 22 × 6 = 132, नियर बाई 68% आ जाएगा, और 68% के नियर बाई अपने पास में वैल्यू क्या है, सी है, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास में यह स्टैक्ड डीआई है, स्टैक्ड बार ग्राफ, पहले स्टैक्ड बार ग्राफ का कंसेप्ट समझेंगे। स्टैक बार ग्राफ के अंदर क्या होता है, अभी अगर आपके पास में एक बार ग्राफ गिवन है तो वो अलग अलग वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग बार्स लेता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने किया, तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई 2000 के लिए अलग से बार है, ठीक है, 2001 के लिए अलग से बार है, 2002 के लिए अलग से बार है, हर एक कैटेगरी के अंदर, ओके। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इसने अलग अलग कैटेगरीज दी हैं, यहाँ पे 4 कैटेगरीज दी हैं और 4 के लिए फिर 4 बार होनी चाहिए थी, पर 4 बार यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे क्या अवेलेबल है, हाँ जी यहाँ पे सीधा क्या है, ये 2000 का डाटा कह रहा है, ठीक है, ये 2001 है, हाँ जी ये यहाँ से कट रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे वैल्यू गिवन है बेटा 2001 और ये क्या है आपके पास में 2002, ओके। अब ये बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है किन किन को, यहाँ पे कह रहा है द फॉलोइंग चार्ट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एएमएस करियर एट इट्स लखनऊ सेंटर हु पास्ड इधर कैट एग्जाम, यस सेट एग्जाम, सीट, ये आपके पास है सीईटी एग्जाम, एक्सईटी एग्जाम और नन ऑफ दीज एग्जाम्स, ओके अलग अलग एग्जाम्स गिवन है कि हाँ जी सीईटी है, एक्सईटी है, सीईटी है और नन ऑफ दीज, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास में टोटल जो एक बार है उसी को अलग अलग कलर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो है हमारे पास में
जब हम लास्ट तक पहुंचते हैं तो ये सारे का सारा क्या है, टोटल है, सारे का सारा क्या है, टोटल है, ठीक है। अब इसके अंदर से अगर हम देखें, अब यहाँ पे देखो ब्लू ने किसको रिप्रेजेंट किया, कैट को, सी ए टी को, ठीक है। अब सी ए टी अगर हम बात करें तो ये जो पार्ट है ना बेटे, ये सारा क्या है, ये सी ए टी, ठीक है। ये कितना है, 60 है, एक्सक्यूज एक्सक्यूज मी, हाँ जी। तो यहाँ पे देखिए अगला जो है ग्रे सी ई टी, इसको 60 है, ठीक है वैल्यू। और यहाँ पे अदर्स जो नन गिवन है वो क्या है, 30, ओके। अब अगर हम टोटल की बात करें, टोटल इन 2000, तो टोटल कितना हो गया, इस सभी का टोटल अगर हम देखेंगे तो ये कितना आ गया आपके पास में, 170 आ गया, ठीक है। मींस कि एक तरह से हमारे पास टोटल गिवन है। अब जैसे लास्ट हमने देखा क्वेश्चन, इसके अंदर अगर मुझे टोटल फाइंड आउट करना था तो मैंने क्या किया, इसको इसको और इसको, इसको हमने तीनों को ऐड अप किया, उसके बाद में मेरे पास टोटल वैल्यू 150 आई है। अगर इसी बार को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्टैक्ड बार ग्राफ से, तो उसके अंदर हम इसको कैसे लिख सकते थे, एक बार कंसेप्ट को समझ लो। अगर इसी को मैं स्टैक के अंदर करूँ तो यहाँ पे क्या कहता, वो यहाँ तक ये आ गया 50, ये ब्लू आ जाता, ठीक है। अब उसके बाद है 60, ये आ जाता अपने पास में रेड के अंदर, और ग्रीन कितना है, 40, ये आ जाता ग्रीन के अंदर। तो अगर हम वैसे देखें तो यहाँ पे जो बार जो ग्राफ है, ग्राफ के अंदर अगर आप देखते हो तो ये जो वैल्यू यहाँ पे कहाँ पे पहुँचती, 150 पे। दैट मीन्स कि हम डायरेक्टली वहाँ से चेक कर सकते थे कि 150 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टोटल करने की ज़रूरत पड़ रही है, जब आप स्टैक्ड बार ग्राफ देखते हो तो वहाँ पे आपको उसको टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी आप यहाँ से देख सकते हो अपने लाइन से कि हाँ जी ये क्या है, हमारे पास में 150। आई होप क्लियर है सभी को, हाँ जी। स्टैक्ड बार ग्राफ भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है बिल्कुल, ओके। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, पहले ये बताओ क्लियर है सभी को, अगर कोई डाउट है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, हाँ जी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अगर क्लियर है देन वेल एंड गुड, अगर आप लोगों को लग रहा है कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर देंगे फ्रेंड्स के साथ में, हाँ जी जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। और जिन्होंने फ्री वार्म अप कोर्स को रजिस्टर नहीं किया है, दिस इज एग्जाम स्पेसिफिक कोर्स, क्वेश्चन कोर्स, तो इसको जिसने भी अभी तक नहीं रजिस्टर किया है देन डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। और इस कोर्स के अंदर हमने जितने भी प्रीवियस लेक्चर, आपको सारे के सारे विद पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी ये समझ आ गया, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, हाँ जी पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अभी डाटा दिखाई दे रहा है सभी को, यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर कैट इन 2000 के अंदर कितने परसेंट स्टूडेंट का कैट का एग्जाम क्लियर हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम 2000 की बात करें और कैट की, तो कैट क्या है, ब्लू से जो रिप्रेजेंट हो रहा है, और ब्लू से हमारे पास में कितना रिप्रेजेंट हो रहा है डाटा, 20, कितना रिप्रेजेंट हो रहा है, 20 रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये हमारे पास में जो परसेंटेज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट। अगर हम टोटल स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं तो टोटल स्टूडेंट देखो अपने पास में कितने बन गए, ये 150 है, 160, 170, एक लाइन 10 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कितना हो गया, 170 इंटू 100, तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, 2/70, 2/70 की वैल्यू, 17 की वैल्यू क्या होती है, हाँ जी 2/17। वैसे तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको डायरेक्टली लर्न होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल आपको डायरेक्टली लर्न होना चाहिए, तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज 14.28%। अदरवाइज डिवाइड करके देख लीजिए, और तो कुछ नहीं कर सकते, क्लियर है, हाँ जी हाँ जी क्लियर है। देखो बेटा वन, ये 7 नहीं है, सॉरी 7/7 की वैल्यू होती है 14.28, यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, 17 से ही करना है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास में, यस दिस विल बी 11.76, ठीक है, कितना आ जाएगा 11.76। वैसे भी डायरेक्टली कर सकते हो, 17 × 17 3 बच गया, 17 × 17, ठीक है, 17 × 7 = 119, क्लियर है, हाँ जी, तो 11.7 आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु सक्सीड इन एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री एग्जाम,
एट लीस्ट वन ऑफ द थ्री एग्जाम, अरे तीनों में से किसी एक में भी पास हो गया। अब तीनों में से भी किसी एक में मींस कि अब मुझे ये लेना है कि हाँ जी सी ए टी में कितने पास हुए, ठीक है, उसके बाद में आपके पास में एक्स ए टी में कितने हैं, सी ई टी में। ये जो है एक एक एग्जाम के अंदर जो स्टूडेंट्स पास हुए उनकी वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 140, मींस कि जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए टोटल वो कितने हो गए 140। और ठीक है, देखो वैसे भी अगर आप टोटल लगाओगे तो 60 प्लस 60 120 प्लस 20 140 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप डायरेक्टली भी देख सकते हो। अब इसको हमने परसेंटेज फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स कि टोटल आउट ऑफ टोटल करेंगे तो हमारी जो रिक्वायर्ड परसेंटेज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 140 डिवाइडेड बाई टोटल। टोटल अगर मैं देखूँ ये कितना है, 170, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, यस ये हो जाएगा 14 से 8, ठीक है। यस 82.3 के नियर बाय वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 82.3। तो ये है अपने पास में वैल्यू क्या है, सी क्या आ जाएगा, 82.35। ओके, हाँ जी क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर, हाँ जी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट इसके अंदर, आई होप सभी को क्लियर है। क्या किया उसने, कहा एट लीस्ट किसी एक एग्जाम में पास हुआ है, दैट मीन्स कि हमने क्या करना है, जो स्टूडेंट जो स्टूडेंट सीएटी के अंदर क्लियर किया है उनको भी हम लेंगे, उसके बाद में जिसने एक्सएटी क्लियर किया उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, इसके अलावा सीईटी वालों को भी हम इंक्लूड करेंगे। तो सभी का टोटल आ गया आपके पास में 140, एंड देन वी विल टेक आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट इन 2000 इज 170, ओके, सो दिस विल बी 140 डिवाइडेड बाई 170 इंटू 100, ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, विच ईयर शोड द बेस्ट रिजल्ट इन एमबीए एंट्रेंस एग्जाम फॉर द इंस्टीट्यूट, यस बेस्ट रिजल्ट किसका है? ये क्वेश्चन, अगर हम बेस्ट रिजल्ट की बात करें तो बेस्ट रिजल्ट मीन्स कि हम परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं, परसेंटेज या पॉइंट में हम वैल्यू कर लेंगे। तो पहले देखेंगे अगर हम 2000 की बात करें तो 2000 के अंदर, हाँ जी 2000 के अंदर अगर हम बेस्ट रिजल्ट की बात करें दैट मीन्स कि पास स्टूडेंट हमने चेक करने हैं, तो अगर हम इसका देखें तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 140 डिवाइडेड बाई 170, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम देखते हैं 2001 के अंदर, ठीक है, कितना आ गया, जस्ट आपने तो कंपेयर ही करना है, कंपेयर ही करना है, फ्रैक्शन में ले लो वैल्यू को, ठीक है। 2001 का अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो 150 पास है आउट ऑफ व्हाट, हाँ जी आउट ऑफ 150 आउट ऑफ 180, दैट मीन्स 15/18 हो गया, ओके। और अगर अब हम देखते हैं किसका, 2002 का, तो अगर 2002 का अगर हम डाटा देखें तो 2002 तक पास कितने हैं, यहाँ तक है मीन्स 160, और ये आउट ऑफ कितना है 200 है, ठीक है, हाँ जी। तो ये हो गया अपने पास में वैल्यू, ये हो गया आपके पास में 0.8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि सबसे ज्यादा अगर किसका है, अगर वैसे भी अगर हम देखें तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा आपके पास में, हाँ जी कंपैरिजन अगर करते हो तो बेटा ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये कितनी है, ये सबसे ज्यादा 15/18 ज्यादा है सबसे, दैट मीन्स कि बेस्ट रिजल्ट किसका है, 15/18 का, क्लियर, हाँ जी बिल्कुल समझ आ गया, ओके। तो यहाँ पे अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा, 2001 आ जाएगा। बताइए किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर, जरूरत नहीं है इसको सभी को उस पॉइंट में सॉल्व करने की, आप डायरेक्टली कर सकते हो, सीधा देखो ये 16/20 है, कैसे कंपेयर करोगे, सिंपल ये देखो आप, ठीक है, मत करो पॉइंट में कन्वर्ट। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हाँ जी न्यूमरेटर की वैल्यू चेक करो डिनोमिनेटर की, इसके अंदर डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे तो जो डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है और न्यूमरेटर की वैल्यू इसके अंदर ज़्यादा है। तो अब अगर हम इसमें देखते हैं तो अगर यहीं पे अगर 18 होता तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होती, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी, दैट मीन्स कि डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कम आएगी, ठीक है, तो ये नहीं आएगा, ये आएगा, ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया, हाँ जी। तो कंपेयर करके हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई, 2001 के अंदर बेस्ट रिजल्ट था, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2002
टू 2002 से 2002 के अंदर परसेंटेज इंक्रीज कितना है स्टूडेंट्स का। अब यहाँ पे देखो, अगर हम 2000 से चेक करते हैं तो 2000 के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना। अब यहाँ पे इसने पास फेल कुछ नहीं कहा, पास फेल के किसी की भी बात नहीं, और सिर्फ आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज कितना है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो 2000 के अंदर कितना है, यस 2000 में है आपके पास में 170 स्टूडेंट। ठीक है, और अगर हम 2002 देखें तो यहाँ पे हमारे पास में 200 इंक्रीज कितना है 30 का। तो परसेंटेज इंक्रीज अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 170। ओके, तो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी 17.64%। हाँ जी बताइए, क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर? हाँ जी, इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट, बिल्कुल क्लियर है, यस। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, तो अभी आज की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों के साथ में बार ग्राफ डिस्कस किया है, सिंपल बार ग्राफ ऑफ हैविंग टू और थ्री बार्स, वन बार। इसके अलावा एक हमने स्टैक्ड बार ग्राफ डिस्कस किया जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। स्टैक्ड बार ग्राफ भी एग्जाम के अंदर आ जाता है, तो आपको कंसेप्ट उसका पता होना चाहिए। तो आई होप सभी को क्लियर है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ जी कहीं ना कहीं क्लास हेल्पफुल है, कुछ समझ में आया है, तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक करेंगे, ओके। हाँ जी, जिन्होंने चैनल को, जो नए यूज़र है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्ज़ाम पास में है, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया आप लोगों के पास में, यस आप लोगों के पास में बहुत कम टाइम है, तो इसलिए पहले अपने वीक सेक्शन को फाइंड आउट करेंगे कि हाँ जी किस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है, और उसके बाद में उस पर्टिकुलर पार्ट को आप प्रिपेयर करेंगे। यही राइट मेथड है बेटा, ठीक है, ओके। सो इट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।